Thank <laughs> you. हेलो बच्चों वेरी गुड इवनिंग कैसे हैं आप सब बच्चों कैसी पढ़ाई चल रही है आप सबकी और क्या नीट प्राण की क्लासेस आप कर रहे हैं बेटा जहां पर मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी में रिवीजन करना आपको स्टार्ट करा दिया है और अभी मैंने शुरू किया है अभी आप धीरे धीरे साथ में रहेंगे तो स्पीड हम थोड़ी सी और बढ़ा देंगे ओके चलिए जल्दी सारे बच्चे लाइक करें शेयर करें और अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें एक बेहतरीन सेशन के लिए आज का जो हमारा सेशन है कंप्लीट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन कंप्लीट पूरे 90 क्वेश्चन में लेके आया हूं इस पूरी यूनिट के 90 इसलिए क्योंकि 140 क्वेश्चन इस यूनिट में नहीं हो पा रहे हैं आप जानते हैं क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं सीधे याद करने वाली चीजें नहीं है इसलिए टोटल आज में 90 क्वेश्चन आपको यहां पर कराने जा रहा हूं कितने क्वेश्चन है नाइन्टी क्वेश्चन मेरे पास आज यहाँ पर है नाइन्टी क्वेश्चन और इन नाइन्टी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ओके बच्चों यस कमऑन कमॉन बच्चों सारे बच्चे जल्दी से लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड को जल्दी जल्दी इन्वाइट करें सारे बच्चे बस तीन मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे तीन मिनट में हम स्टार्ट कर देंगे चलिए तो मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार एमबीबीएस किया है 2010 केजीएमसी लखनऊ से और 2011 से मैं पढ़ा रहा हूं कई सारे नए बैचेस की शुरुआत हो चुकी है अचीवर प्लस बैच है जो कि नीट 2021 के लिए क्रैश कोर्स से तीन मार्च से स्टार्ट हो चुका है 2022 के लिए छह मार्च से बैच स्टार्ट हो चुका और इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट नीट यूजी के लिए शुरू हो चुका है सात मार्च से और अगला टेस्ट होगा फोर्टीन ऑफ मार्च को कोड क्या यूज करना है अनएकेडमी लर्निंग एप डाउनलोड करके आप वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं एच जी लाइव मेरा कोड है इसको यूज करेंगे फ्री है आपके लिए बेटा हंड्रेड परसेंट फ्री और हंड्रेड परसेंट स्कॉलरशिप है शुरुआत के तीन विनर के लिए सब्जेक्ट आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी और जियोलॉजी चारों रहेगा साठ मिनट का टेस्ट है ट्वेंटी एट क्वेश्चन होंगे और रिलेटिव स्कोरिंग होगी मतलब हर क्वेश्चन के साथ आपकी रैंक आपको पता चलती रहेगी है ना रियल टाइम रियल टाइम एवरी संडे है ना एवरी संडे हर संडे को एक कंटेस्ट होगा तो इसके लिए आपको क्या करना है इसके लिए आपको अनअकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर पे जाके या पे स्टोर पे जाके और इसको इंस्टॉल करने के बाद इसको इंस्टॉल करने के बाद अच्छा आदित्य थैंक यू बेटा थैंक यू इसको इंस्टॉल करने के बाद आप कॉम्बैक्ट टेस्ट जरूर ज्वाइन करिएगा और उस टेस्ट को दीजिएगा ट्वेंटी एट क्वेश्चन होंगे साथ ही इस ऐप पे आपको डेली लाइव क्लासेस लाइव टेस्ट और स्ट्रक्चर्ड कोर्स और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और बहुत सारे टॉप एडुकेटर्स की फ्री लाइव क्लासेस भी आपको मिल जाती हैं और आप प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें एडिशनल बेनिफिट आपको मिल जाते हैं एच लाइव कोड का यूज करेंगे तो जो भी फीस आपकी होगी प्लस और आइकॉनिक के लिए उसमें टेन परसेंट का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा साही मॉर्निंग में क्लास कब होगी मॉर्निंग में बेटा अर्पित सर ने क्लास स्टार्ट कर दी है ना मॉर्निंग वाली क्लास अर्पित सर ने स्टार्ट कर दी है ठीक है उसमें क्या है? ओ, आज हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं बेटा तो कौन कौन से बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो पहली बार इस सेशन को कर रहे हैं कौन से ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इस सेशन को कर रहे हैं उनके लिए मैं कुछ चीजें बता दूं कि नीट पंचायत की सीरीज है बेटा जो मंडे टू सैटरडे चलती है मंडे टू सैटरडे क्लास होती है बेटा नीट पंचायत की और इस मंडे टू सैटरडे की जो क्लास होती है बेटा इसमें हम लोग एनसीआर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं और जब आपके कोई यूनिट कंप्लीट होती तो हम यूनिट वाइज क्वेश्चन करते हैं ओके ओके कई सारे बच्चे यहाँ पर नए हैं ओके okay, तो टाइम हो रहा है टेन 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 और हम शुरू कर रहे हैं आज की सीरीज के क्वेश्चन ठीक है आज की सीरीज के क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन विच जीनो टाइप विल इंडिकेट कलर ब्लाइंडनेस इन मेल मेल में कलर ब्लाइंडनेस को कौन इंडिकेट करता है जल्दी से कलर ब्लाइंडनेस टाइम है टेन टेन जल्दी से देखते हैं कितनी देर में आप नाइनटी क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं टेन टेन टाइम हो रहा है बताइए मेल में पूछा है बेटा तो देखो पहले तो ये तो, -स -स तो फीमेल होती है और ये है। कट कर दो अब जो कलर नहीं होगा ये वाली कंडीशन हो जाएगी ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ए ऑप्शन हो जाएगा बेटा वाई क्रोमोसोम पे कलर ब्लाइंडिया का जीन नहीं होता है चलो ये देखो इसमें तो आपके छे सवाल कवर हो जाएंगे छह सवाल आपके कवर हो जाएंगे जल्दी से पिलियोट्रॉपी का एग्जाम्पल क्या है पिलियोट्रॉपी पिलियोट्रॉपी में क्या जाएगा बेटा फिनाइल आ जाएगा फिनाइल मतलब ए का 4 हो जाएगा यानी ए और डी ऑप्शन कैंसिल हो गए है ना अब देखो पॉलीजेनिक पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस में में क्या जाएगा ह्यूमन स्किन कलर आ जाएगा तो बी का सिक्स हो जाएगा बी का सिक्स हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर कौन सा है ऑटोसोमल रिसेसिव रेसे तो सी का थ्री हो जाएगा सी का थ्री हो जाएगा अब आगे आप करो क्वेश्चन नंबर टू वाई सेक्स लिंक कौन सा है वाई सेक्स लिंक कौन सा है हाइपर ट्राइकोसिस वाई सेक्स लिंग डी फाइव हो गया अब सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर कौन सा है सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर होता है बाल्डनेस बाल्डनेस इज द सेक्स इन्फ्लुएंस्ड कैरेक्टर ठीक है तो ई वन हो जाएगा और सेक्स लिमिटेड होगा पैटर्न बाल्डनेस सो करेक्ट ऑप्शन इज बी बी इज द करेक्ट ऑप्शन बहुत सारे बच्चे सी कर रहे हैं बी करेक्ट ऑप्शन होगा चलो मेंटल रिटार्डेशन इन मैन एसोसिएटेड विद सेक्स क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इज ड्यू टू मेंटल रिटार्डेशन मतलब जो दिमागी कमजोरी होती बहुत सारे बच्चे डाउन सिंड्रोम या फिर अगर आप बात करते हैं एडवर्ड सिंड्रोम तो वहां पर बच्चे जो होते हैं वो मानसिक रूप से कमजोर होते हैं मेंटल रिटार्डेशन मंद बुद्धि वाले होते हैं तो मंद बुद्धि का कारण क्या है मंद बुद्धि का कारण है इनक्रीज इन एक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट एक्स क्रोमोसोम का नंबर अगर बढ़ता है तो मेंटल रिटार्डेशन होता है मेंटल रिटार्डेशन होता है इन एल्बिनिज्म द एबसेंस ऑफ विच पिगमेंट मेक द स्किन एंड हेयर लाइट कलर्ड बताइए एल्बेनिज में कौन सा पिगमेंट ना होने की वजह से स्किन और हेयर लाइट कलर के हो जाते हैं तो हमारी स्किन और हेयर का कलर किसकी वजह से मिलेनिन की वजह से और मिलेनिन नहीं बनता है एल्बेनिज में इसीलिए हेयर और स्किन कैसे हो जाते हैं लाइट कलर के हो जाते हैं क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड वॉज इंग्लैंड की क्वीन जो विक्टोरिया थी वो क्या थी ये CRT में आपको दिया गया है क्वीन विक्टोरिया क्या थी बेटा ये हीमोफिलिक कैरियर थी क्या थी ये हीमोफिलिक कैरियर थी इसलिए इनके जो डिसेंडेंट थे इनके जो सन थे उनमें ये बीमारी देखी गई जीन फॉर कलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन आर कैरीड बाई कलर ब्लाइंडनेस का जीन किस पे होता है बेटा एक्स क्रोमोसोम पे होता है और एक्स क्रोमोसोम आप देखें तो मेल में भी एक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में तो दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो कलर ब्लाइंडनेस का जीन मदर और फादर दोनों के द्वारा मदर और फादर दोनों के द्वारा इस जीन को कैरी किया जाता है ओके okay बच्चों सी ऑप्शन हो जाएगा द क्रिसमस डिजीज पेशेंट लाइक एंटी हीमोफिलिक बताइए क्रिसमस डिजीज ये बेटा हीमोफीलिया है है ना क्रिसमस डिजीज हीमोफीलिया है और क्रिसमस डिजीज के में कौन सा फैक्टर नहीं होता है क्रिसमस डिजीज में कौन सा फैक्टर नहीं होता है मोफिलिया क्रिसमस डिजीज को हीमोफीलिया बी भी, भी कहा जाता है दो तरह के हीमोफीलिया होते हैं एक होता है हीमोफीलिया ए और एक होता है हीमोफीलिया बी जो हीमोफीलिया ए होता है उसमें फैक्टर जो एट होता है इसकी डिफिशियंसी हो जाती है लेकिन जो हीमोफीलिया बी है उसमें फैक्टर नंबर नाइन की डिफिशियंसी होती है सो करेक्ट ऑप्शन इज डी अगर हीमोफीलिया ए पूछता तो फैक्टर एट की डिफिशियंसी होती लेकिन हीमोफीलिया बी पूछा है तो यहां पर फैक्टर नाइन की डेफिशिएंसी होती है फैक्टर होते हैं जिसमें एट अगर नहीं है ब्लड क्लॉट नहीं कर रहा है तो में। अगर 8 नहीं तो a हो जाएगा और बी नहीं तो नाइन नहीं तो हिमोफीलिया बी हो जाएगा क्लियर बेटा क्लियर है सभी को ए हार्मफुल कंडीशन विच इज ऑल्सो ए पोटेंशियल सेवियर फ्रॉम ए मॉस्किटो बॉर्न इनफेक्शियस डिजीज एक ऐसी हार्मफुल कंडीशन जो पर्सन को मलेरिया से बचाती है तो एक कंडीशन होती बेटा सेल एनीमिया जिस पर्सन को सिकल सेल एनीमिया होगा उसको मलेरिया नहीं होगा जिसको सिकल सेल एनीमिया होगा उसको मलेरिया नहीं होता है क्रिसमस डिजीज ये देखिए नाम आ गया क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम ऑफ क्रिसमस डिजीज किसका दूसरा नाम है जल्दी से बताइए क्रिसमस डिजीज इज अनदर नेम ऑफ क्रिसमस डिजीज इज एन अदर नेमोफिक किसका नाम है बेटा हीमोफीलिया और खास तौर से हीमोफीलिया बी ठीक है हीमोफीलिया बी को क्रिसमस डिजीज कहते हैं बहुत सारी नई बातें भी आपको सीखने को मिलेंगी ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश जिसको कलर ब्लाइंडनेस है उस इंसान में कौन सा कलर को अलग करने की क्षमता नहीं है वो रेड और ग्रीन कलर को डिफ्रेंसिएट नहीं कर सकता है इसीलिए इस बीमारी को रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम अकर इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम फिलाडेल्फिया सिंड्रोम आप पढ़ते हैं क्रोमोसोम नंबर नाइन और बाइस के बीच में रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन हो जाता है तो ये किस पेशेंट में होता है बेटा फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किस पेशेंट में होता है जिनको ब्लड कैंसर यानी ल्यूकीमिया होता है जिनमें ल्यूकीमिया होता है उनमें फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम पाया जाता है विल्सन डिजीज इज एसोसिएटेड विद एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ विल्सन डिजीज इज रिलेटेड विद एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन

किसकी एबनॉर्मल मेटाबोलिज्म की वजह से होता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन बताइए जल्दी से क्वेश्चन नंबर थर्टीन यस दैट इज दायरोन अमीनो कैटाबोलिज्म की, की वजह से एलकेप्टूरिया हो जाता है यस yes, एलकेप्टूरिया हो जाएगा हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल बिकॉज इट इज हीमोफीलिया मेल में ज्यादा कॉमन फीमेल में रेयर होती है बीमारी फीमेल में ये बीमारी रेयर होती बेटा क्यों कमॉन yes, बच्चों जल्दी से क्योंकि ये है रेसेसिवट्रेट दैट इज कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम रेसेसिवट्रेट दैट इज कैरियड बाय एक्स क्रोमोसोम डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आर कॉज ड्यू टू क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का कारण क्या है में लिखा है एब्सेंस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम भाई अगर आप देखो क्रोमोसोमल में डाउन सिंड्रोम को तो वहां पर एक क्रोमोसोम ज्यादा हो गया टर्नर में एक क्रोमोसोम कम हो गया एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम कैट क्राइस सिंड्रोम की बात करो तो वहां पर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है तो यहां पर ऑल हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पॉलीप्लॉयडी कंडीशन इज सीन इन एनसीआरटी में लिखा है ऑफन लिखा है अक्सर। अक्सर पर पाई जाती है पॉलीप्लॉयडी कंडीशन अक्सर पर पाई जाती है अक्सर प्रेजेंट इन प्लांट मतलब जनरली ये प्लांट में प्रेजेंट होती है क्रोमोसोमल कंडीशन ऑफ डाउन सिंड्रोम डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के बारे में आपको बताना है बेटा डाउन सिंड्रोम की कंडीशन के बारे में आपको बताना है नेक्स्ट यूनिट जो आपकी मैं स्टार्ट कर रहा हूं कल से दैट इज डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड और पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ड जिसके क्वेश्चन कल हम करेंगे ठीक है द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन बेटा मैं आपको कल कराऊंगा ठीक है तो पहली जो यूनिट आपकी एनसीईआरटी की है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड कल से नीट पंचायत में इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं बताओ क्या ये

और 44 के साथ अगर XYY आ जाए कॉल्ड जैकब सिंड्रोम यस 44 प्लस टोटल कितने हो गए? 47 हो गए गए 47 मतलब ट्राइसोमी हो गई क्रोमोसोम नंबर ऑफ डाउन सिंड्रोम और मोंगोलिज्म सिंड्रोम क्या है बेटा डाउन सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम इज ए टाइप ऑफ ट्राइसोमी और ट्राइसोमी में क्या होता है बेटा होता है है और हमारे कितना फोर्टी सेवन हो जाएगा तो क्रोमोसोम का नंबर फोर्टी सेवन होगा ट्वेंटी गायनिकोमैस्टिया इज द सिम्टम ऑफ गाइनिकोमेस्टिया में क्या होता है बेटा आप बताओ जल्दी से कमेंट करके सारे बच्चे मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से कमेंट करो गायनिकोमेस्टिया में क्या होता है में क्या होता है बी ऑप्शन yes, सही होगा क्लैन फिल्टर सिंड्रोमल डेवलपमेंट हो जाता है बिल्कुल सही आंसर है बेटा करेक्ट स्टेटमेंट बताओ यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है यस yes, मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है ऋषभ बिल्कुल सही है बेटा मोहित बिल्कुल सही है हेमोफिलियालिंग रिसेसिव डिजीज सही है डाउन सिंड्रोम ड्यू टू एनोपोलॉडी ये भी सही सही है नहीं तो A, A, B, ये तीन ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएंगे बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओके यस yes, बिल्कुल सही है क्वेश्चन नंबर 22 यहां पर कॉलम मैच करना है बेटा ये आपके नीट में पूछा भी गया है देखो डोमिनेंस डोमिनेंस में क्या करोगे डोमिनेंस में क्या करोगे डोमिनेंस में आप कहोगे इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म ओनली वन एलील एक्सप्रेस ठीक है कोडोमिनेंस में क्या होता है बेटा कोडोमिनेंस की अगर बात करो तो कोडोमिनेंस में इन हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ एलील एक्सप्रेस दमसेल्फुली तो ए टू हो जाएगा ए टू और बी थ्री बस आगे तो मैच कर ही लोगे आप है ना यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा बिल्कुल सही डी ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द जीन फॉर एबीओ ब्लड ग्रुप इज लोकेटेड और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है और आपके नीट में पूछा गया है सवाल बेटा नीट में सवाल आपके पूछा गया है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री एमयू में पूछा गया था 2016 में ठीक है क्रोमोसोम नंबर नंबर क्रोमोसोम पे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का जीन पाया था और मुझे जल्दी से बताइए एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कौन सा जीन कंट्रोल करता है जल्दी से बताइए और कितने जीन कंट्रोल करते ये भी मुझे आप बताओ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को कितने जीन कंट्रोल करते हैं और कौन सा जीन है, उसका नाम बताओ ठीक है कितने जीन कंट्रोल करते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को द मैकेनिज्म दैट कॉजेज ए जीन टू मूव फ्रॉम वन लिंकेज ग्रुप टू अनदर एक लिंकेज ग्रुप से दूसरे लिंकेज ग्रुप यानी एक क्रोमोसोम से नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम में जो होता उस है उसे हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन ट्रांसलोकेशन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है नीट 2016 में पूछा गया था ये ट्रांसलोकेशन यस आई जीन एक जीन कंट्रोल करता है बेटा तीन क्यों लिख रहे हो ब्लड ग्रुपिंग को एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को स्किन कंट्रोल करता जिसे हम आई जीन कहते हैं आई जीन कहते हैं उसके तीन एलील होते हैं वो अलग चीज है बेटा एक ही जीन होता है एलील तीन होते हैं ठीक है एक जीन होता है बेटा क्यों तीन कह रहे हो तीन जीन एक जीन करेगा जो हमारा स्किन कलर है जो हमारी हाइट है उसे तीन जीन कंट्रोल करते ओके थैलासीमिया एंड सिकल सेल एनीमिया आर कॉज ड्यू टू

क्वालिटेटिव होता है, थेमिया क्वांटिटेटिव होता है यहां पर क्वांटिटी कम हो जाती है सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके बी इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं ए डिजीज कॉज बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन ऑटोसोमल ध्यान से सुनो ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन तो देखो क्लैन फिल्टर और टर्नर ये दोनों तो सेक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड होते हैं ठीक है सेक्स क्रोमोसोम से और सिकल सेल एनीमिया में तो मेंडेलियन है बेटा यहां पर नॉन डिसजंक्शन कह रहा मतलब एन्यूप्लाइडी की बात कर रहा है तो एन्यडी कहां पे हो जाएगी ऑटोसोमल डाउन सिंड्रोम ऑटोसोमल एनप्लॉयडी डाउन सिंड्रोम में हो जाएगी वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर आप सारे बच्चे कर रहे हो सेलेक्ट द इन करेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेट फ्रेंकलिन द टर्म लिंकेज लिंकेज टर्म मॉर्गन ने दिया था पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट यस रेजिनाल्ड सी पनेट इस पलाइसियोसोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन नहीं ये रोल प्ले करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय अल्टमैन नहीं ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय जेंडर एंड लेडरबर्ग क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड कौन सा गलत है स्टार्ट सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील नहीं बेटा स्टार सिंथेसिस Incomplete dominance. Abo blood grouping सही, सही सही है, Th Morgan is, सही. आपके need है आपके का सवाल तो ए गलत हो ट्वेंटी एट में ट्वेंटी नाइन पे चलते हैं द इनकरेक्ट मैच इनकरेक्ट सेलेक्ट द करेक्ट मैच राइबोसाइम न्यूक्लिक एसिड सही होता है एफ टू रेसेसिव टेस्ट क्रॉस टीएच मॉर्गन ट्रांसडक्शन नहीं बेटा टीएच मॉर्गन लिंकेज से संबंधित है मेंडल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन आप बताओगे ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट किसने दिया था जल्दी से ए वोमेन हैज एन एक्स लिंक कंडीशन ऑन वन ऑफ हर एक्स क्रोमोसोम दिस क्रोमोसोम कैन बी इनहेरिटेड बाई एक माँ है जिसके पास एक एक्स क्रोमोसोम के पास एक जीन है ठीक है सी जीन हमने मान लिया क्रोमोसोम एक पे तो ये जिन किस में जाएगा लड़के में जाएगा या लड़की में जाएगा बताओ बहुत बढ़िया सवाल है ये आपके नीट में हाल में ही किया था बहुत बढ़िया वेरी गुड ग्रेट बच्चों लोगों का है दो एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बिल्कुल काजल आपका कमेंट सो रहा है बेटा मोहित एकता वेरी गुड वेरी गुड चलिए बताइए कहाँ पे अब बेटा एक्स क्रोमोसोम देखो जो होता है ये माँ से लड़के में भी जाता है और लड़की में भी जाता है तो बोथ सन एंड डॉटर बोथ सन एंड डॉटर लेकिन अगर फादर के पास एक्स क्रोमोसोम होता तो केवल कहाँ पे जाता बेटा फादर से एक्स क्रोमोसोम केवल लड़कियों में जाता है माँ कोई भेदभाव नहीं करती है मैं हमेशा बोलता हूँ चलो तो तीस क्वेश्चन हो गए आपके प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अब अगले तीस सवाल आएंगे आपके मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के और फिर लास्ट के तीस सवाल आएंगे आपके इवोल्यूशन के तो बीस मिनट में आपने तीस सवाल कर लिए ठीक है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड एट फाइव प्राइम एंड ऑफ एच एन आर एन ए इन ए प्रोसेस ऑफ मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट ऐसे लिखते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है ना ये मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट है और इसको फाइव प्राइम एंड पे ऐड किया जाता है नहीं थोड़ा सा आराम से करें बेटा ताकि आप धीरे धीरे समझ पाए ना क्या कहते हैं कैपिंग दैट प्रोसेस इज नेम्ड एज कैपिंग नेक्स्ट

एस एन आर एन ए थ्री के द्वारा ट्रांसक्राइब कराया जाएगा हाँ स्मॉल न्यूक्लियर स्मॉल न्यूक्लियर ठीक है बेटा टू जो होता है वो एच एन आर एन ए के लिए होता है ठीक है एस एन में पूछ रहा हूं यहां पर चलो बताओ ये जो फिगर आपको दिया गया है ये प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन है बैक्टीरिया में इसमें आपसे पूछा गया है कि ए क्या है बी क्या है और सी क्या है ये आपको बताना है तो ए यहां पर क्या है बेटा ये ट्रांसक्रिप्शन है तो ट्रांसक्रिप्शन में जो बनता है वो क्या बनता है आर बनता है ना तो ए हो जाएगा आर एन बी क्या है बेटा ये एंजाइम है आर एन ए पॉलीमिरेज और सी क्या है देखो यहां टर्मिनेशन हो रहा है तो टर्मिनेशन में रो फैक्टर होता है सो करेक्ट ऑप्शन इज बी बिल्कुल सही है करेक्ट ऑप्शन इज बी वेरी गुड थर्टी फोर Of RNA by a अभी हमने बात की है जो टर्मिनेशन होता है वो होता है रो फैक्टर के द्वारा और बताइए इनिशियशन किसके द्वारा होता है आप मुझे बताओगे इनिशिएशन किसके द्वारा होगा दर्म सिस्ट्रॉन रिकॉर्न एंड म्यूटॉन वर गिवेन बाई

टेम्पलेट सेगमेंट पर टेम्पलेट सेगमेंट पर कह करें इससे जो आप एम तो से आप ए बनाओगे तो रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी को फॉलो करोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट्री आर में हो जाएगा यू फिर ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए जी का सी और ऐसे बढ़ते जाओगे करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा यहाँ पर सी बाकी तीन ऑप्शन में देखो टी दिया गया है बाकी तीन ऑप्शन में तो टी दिया गया और कभी भी आर में तो टी हो नहीं सकता दिमाग लगा लोगे तब भी आंसर आपका निकल आएगा आर में कभी टी हो ही नहीं सकता है आर में यूरेसिल होगा सिक्वेंस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस इन कोडिंग स्टैंड अभी टेम्पलेट में दिया था अब कोडिंग स्टैंड दिया गया है कोडिंग स्टैंड ये आपको दिया गया है ठीक है

थर्टी सिक्स क्या टेम्पलेट सेंसर करने पर रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी यूज करोगे लेकिन कोडिंग सेंसर करने पर केवल थाइमिन को हटा के यूरेसिल का यूज करोगे क्लियर है बच्चों यस नेक्स्ट आउट ऑफ सिक्सटी फोर कोडॉन्स 61 कोड फॉर 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड इट इज ड्यू टू 61 कोडॉन 20 टाइप के अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं यानी एक अमीनो एसिड के लिए कोडॉन का नंबर एक से ज्यादा है दैट इज ने एज जेनरेसी इसे क्या कहते हैं डी टर्मिनेटर कोडॉन अंबर इज अंबर किसका नाम है टर्मिनेटर कोडॉन तीन है बेटा इसमें अंबर कौन सा ही आपको बताना है टर्मिनेटर कोडॉन अंबर कौन सा होता है ए यू जी ए यू ए जी तीनों ही टर्मिनेटर हैं लेकिन जो यू ए जी होता है इसे अंबर का नाम दिया जाता है इसे क्या कहते हैं अंबर कोडॉन कहा जाता है यू ए जी इज नेम्ड एज अंबर कोडॉन फोर्टी नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन हैविंग ऑल थ्री बेसिस सेम इन सिक्सटी फोर ट्रिपलेट कोडॉन करिए कितने ऐसे कोडॉन हैं जिनके तीनों बेस सेम होते हैं बताओ कितने ऐसे होंगे तो देखो एक हो जाएगा ए ए ए इसमें तीनों बेस सेम है एक हो जाएगा यू 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 एक हो जाएगा जी 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 और एक हो जाएगा सी 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 सिक्सटी फोर में से ये चार ऐसे कोडॉन हैं जिनके तीनों बेस सेम होंगे सो करेक्ट ऑप्शन इज सी यस करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा नेक्स्ट

जेनेटिक कोड इज ट्रिपलेट केवल डी ऑप्शन ही यहां पर करेक्ट है 42, 42 फोर्टी टू बच्चों थ्री डायमेंशनल सेप ऑफ टीआरएनए टीआरएनए का थ्री डायमेंशनल सेप कैसा होता है थ्री डायमेंशनल सेप कैसा होता है चाहे थ्री डायमेंशनल पूछा जाए मेरे बच्चों है ना ये मैंने आपको क्वेश्चन कराया है चाहे थ्री डायमेंशनल पूछा जाए चाहे एक्चुअल पूछा जाए थ्री डायमेंशनल पूछा जाए चाहे एक्चुअल पूछा जाए क्या करोगे इनवर्टेड एल इनोवर्टेड एक्चुअल और थ्री डायमेंशनल एक ही बात है इन बैक्टीरिया फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन इज इफेक्टेड बाई पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन बैक्टीरिया में कौन कराता है ट्वेंटी थ्री एस आर आर एन ए कराता और आर आर एन ए न्यूक्लिक एसिड मतलब sequence, और कौन सिक्वेंस uh, को डिटरमाइन करता है तो अमिनो एसिड का जो सिक्वेंस होता है वो एम आर एन ए के द्वारा डिटरमाइन किया था एम आर एन ए के जो सिक्वेंस होते हैं उन्हें कोडॉन कहा जाता और है और कोडॉन ये तय करते हैं कि सिक्वेंस क्या होगा पोर्शन ऑफ जेन विच इज ट्रांसक्राइब्ड बट नॉट ट्रांसलेटेड बहुत बढ़िया हाँ सवाल है बताइए कौन सा पोर्शन ऐसा है बेटा जिसका ट्रांसक्रिप्शन तो होता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन होता है लेकिन ट्रांसलेशन नहीं होता है तो आप जानते हैं कि जो एंट्रॉन रीजन होता है एंट्रॉन का ट्रांसक्रिप्शन तो हुआ एच एन आर एन ए में तो आया लेकिन एम आर एन ए जब बना तो इंट्रॉन को काट के हटा दिया गया तो इंट्रॉन वो रीजन है जिसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाया ट्रांसलेशन नहीं हो पाया नेक्स्ट अरेंज द फॉलोइंग अमीनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोड बताइए करेक्ट कि ट्रिपलेट कोड का इंक्रीजिंग नंबर के आधार पर यह मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है बेटा मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है ट्रिप्टोफेन में केवल एक कोड होता है यूजीजी ठीक है यूजीजी जी फिनाइल के दो होते हैं वेलिन के चार होते हैं और ल्यूसिन के छ होते हैं तो अगर शुरू करोगे बेटा आप तो कहाँ से शुरू करोगे सबसे कम इंक्रीजिंग पूछा ना सबसे कम से शुरू करोगे ट्रिप्टोफेन तो टू से शुरू करोगे टू के बाद कौन आ जाएगा फिनाइल आ जाएगा फिर वेलिन आ जाएगा फिर ल्यूसिन सी बहुत बढ़िया हाँ सवाल है वेरी गुड क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और डिलीशन सिंगल न्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइट को जोड़ दिया जाए या डिलीट कर दिया जाए तो क्या होगा उस पॉइंट के आगे का पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा दैट कॉज एज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज कर देगा म्यूटाजन क्या होते हैं म्यूटाजन ऐसे केमिकल होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं ना म्यूटाजे ऐसे केमिकल होते हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं केमिकल एंड रेडिएशन दैट कॉज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर देते हैं और जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है उसी को म्यूटेशन कहते हैं व्हाट इज करेक्ट कौन सा करेक्ट एंट्रॉन आर प्रेजेंट इन एम आर एन

सेलेक्ट द इन करेक्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर फिफ्टी में इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है बच्चों ठीक है सिक्स कोडॉन डू नॉट कोड फॉर एनी अम्यूनिवर्सिटी नहीं तीन होते हैं बेटा तीन स्टॉप कोडॉन होते हैं यू ए यू एंड यू जी रीडिंग ऑन मैनर बस सही है थ्री कोडॉन फंक्शन स्टॉप सही है इनिशिएटर कोडॉन एयूजी कोड फॉर दिथियो ये भी सही है तो केवल ए इज इन करेक्ट केवल ए ऑप्शन इन करेक्ट है तो ए आपका आंसर हो जाएगा फिफ्टी के लिए नेक्स्ट uh, साहिब बेटा सुबह की क्लास अर्पित सर की क्लास हो रही है अब है ना विच इज नॉट करेक्ट इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है बेटा यू ए ए कोड फॉर लाइसेंस यू ए ए तो स्टॉप कोड ऑन होता है ना तो यही गलत हो गया नॉट करेक्ट है फिफ्टी वन में बी हो जाएगा यस फिफ्टी थ्री पे चलते हैं फिफ्टी टू फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन ए नियर यूनिवर्सल कोड फॉर फिनाइल नियर यूनिवर्सल जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो लगभग है ना तो दैट इज यू 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 ये फिनाइल का एक ऐसा कोड है जो नियर यूनिवर्सल है इसके कुछ ही एक्सेप्शन होते हैं कहां पे एक्सेप्शन होते हैं आप मुझे बताओगे यू 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 फिनाइल एलेनिन के लिए कहां पर नहीं कोड करता है, आप मुझे बताओ वॉट इज अमीनो एसिड सिक्वेंस इनकोडेड बाई बेस सिक्वेंस दिस बताओ ये एम आर एम ए का एक सिक्वेंस आपको दिया गया है और इससे पूछा है कि इससे जो अमीनो एसिड बनेंगी उनका सिक्वेंस क्या होगा उनका सिक्वेंस क्या होगा जल्दी से अब देखो यू सी ए जो होता है बेटा ये सेरिन के लिए कोड करता है यू 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 फिनाइल एलिंग के लिए कोड करता है के लिए तो जी होता है ग्लाइसिन यूसीए से तो दो ऑप्शन बचे अब यू सीसी जो है यू सी सी कोड करता है सेरिन के लिए यूसी और यूसी दोनों ही सेरिन के लिए कोड करते हैं जी 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 ग्लाइसिन के लिए कोड करता है ए जी यू सेन के लिए कोड करता है तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा है ना बी करेक्ट ऑप्शन होगा ठीक है फिफ्टी थ्री का बी होगा हाँ माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ यस माइटोकॉन्ड्रिया और प्रोटोजोआ यस रुक्षाना बिल्कुल सही है माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोजोआ दीपक ने भी सही आंसर किया है सविता ने सही आंसर किया है यू 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 फिनाइल एलिन को कोड नहीं करता है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम में और कुछ प्रोटोजोआस में चलो ये देखो क्या है अमीनो एसिड में है मोर देन वन कोडॉन बिल्कुल अमीनो एसिड के ज्यादा कोडॉन हो सकते हैं

टर्मिनेटर कोडॉन है? तीन है तीनों की शुरुआत कहां से होती है देखो तीनों की शुरुआत यूरेसिल से होती है तो सारे टर्मिनेटर कोडॉन यूरेसिल से स्टार्ट होते हैं विच इज सॉलबिल आर एन इसे सोलबिल भी कहा जाता है एडाप्टर भी कहा जाता है तो सोलिबिल कौन सा है बेटा वुड फॉर्म में पॉलिपेप्टाइड सी और यू है ना सी यू यू सी यू ऐसे इस तरीके से है ना ऐसे अल्टरनेट फॉर्म में है तो क्या होगा तो दो तरह के कोड बनेंगे सीयू सी यूसी यूसीयू ठीक है तो अब इस केस में क्या होगा अल्टरनेट फॉर्म में अल्टरनेट फॉर्म में आपको ल्यूसीन और मिलेगा अल्टरनेट फॉर्म में एक leucine, एक serine, एक leucine, एक serine, ये अल्टरनेट फॉर्म में आपको मिलेंगे यानी करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा 57 के लिए 58 पे चलते हैं नॉन सेंस कोडॉन टेक पार्ट इन नॉन सेंस नॉन सेंस कोडॉन मतलब स्टॉप कोडॉन टर्मिनेटर कोडॉन क्या करते हैं टर्मिनेटिंग मैसेज ऑफ जीन कंट्रोल प्रोटीन सिंथेसिस है ना ये प्रोटीन की को करते हैं। प्रोटीन की सिंथेसिस सिंथेसिस को को स्टॉप स्टॉप करते करते हैं हैं yes, यस का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए फिफ्टी नाइन थ्री डायमेंशनल फिर वही क्वेश्चन आ गया थ्री डायमेंशनल या मैंने कहा था थ्री डायमेंशनल या एक्चुअल थ्री डायमेंशनल या एक्चुअल स्ट्रक्चर TRN का कैसा होता है? Inverted L होता है है. बताइए. इस काम के लिए Nobel भी मिला था बेटा है ना. Genetic code को किसके द्वारा किया गया? और इस काम के इन तीनों को नोबेल प्राइज भी मिला साठ क्वेश्चन हो चुके हैं पैंतीस मिनट लगा है टेन टेन पे हमने शुरू किया था टेन फोर्टी फाइव हो रहा बच्चों ओके टेन फोर्टी फाइव हो रहा है टेन टेन पे हमने स्टार्ट किया था यानी हमें टाइम लगा है 35 मिनट और पैतीस देखिये आराम से करें 35 मिनट में साठ सवाल आपने कर लिए है ना अब अगले तीस सवाल इवोल्यूशन चैप्टर के बताइए कर्नाटका नीट का पेपर अलग हुआ था 2013 में उसी का सवाल है द फिंच स्पीसीज ऑफ गैला पैगोज आईलैंड आर ग्रुप अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्स विच ऑफ द फॉलोविंग इज नॉट ए फिंच फूड बताइए कौन सा फिंच फूड नहीं है hmm. कुछ इंसेक्टिव थी और सीड तो खाती ही थी कुछ वेजिटेरियन थी ट्री को बर्ड को खाती थी लेकिन कैरियन इनका फूड नहीं था ठीक है कैरियन इनका फूड नहीं था 61 का डी uh, ऑप्शन बेटा शविता ओरिजिनल हैबिट तो सीड खाने की ही थी तो सीड क्यों नहीं कर रहे हो करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिंच फूड बेटा समझो तो क्वेश्चन को ओरिजिन ऑफ फर्स्ट टूथेड बर्ड एंड जिम्नोइस पर अकॉर्डिंग फर्स्ट टूथेड बर्ड क्या इसका नाम बता सकते हो पहली टूथेड बर्ड का नाम बता सकते हो कौन सी थी फर्स्ट टूथेड बर्ड ये थी वही वाली बेटा जो आप पढ़ते नहीं कनेक्टिंग लिंक रेप्टाइल और बर्ड के बीच में क्या नाम है उसका आर्कियोप्टेरिक्स है ना आर्कियोप्टेरिक्स तो आर्कियोप्टेरिक्स की ओरिजिन और जिम्नोस्पर्म की ओरिजिन तब हुई जब डायनासोर का रास्ता जोरेसिक पीरियड में ठीक है जुरैसिक पीरियड में हुई थी सिक्सटी थ्री एक्सटिंक्ट ह्यूमन एंसेस्टर एट ओनली फ्रूट एंड हंटेड विद स्टोन वेपन वॉज करें जो केवल फल खाता था और पत्थर के हथियारों का यूज करता था स्टोन वेपन का यूज करता था ये कौन था ये था ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑस्ट्रेलोपिथेकस नेक्स्ट इंडस्ट्रियल इज एन एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मिलेज्म कहां पे ये केस है जगह का नाम बताइए इंडस्ट्रियल मिलेज्म बच्चों कहां का केस है जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे इंडस्ट्रियल मिलानिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सेलेक्शन और ये केस कहां से लिया गया जल्दी से कमेंट करो विच ऑफ दीज आर करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वाइटिक मैमल एक्टिक मैमल दो हजार सत्रह का सवाल था एक्वाइटिक मैमल आपको बताने एक मैमल्स इंग्लैंड बिल्कुल सही अब्दुल्ला बेसुजीत उमेश शिवम प्रियंका बिल्कुल सही इंग्लैंड का केस था ये रविंद्र यस तो बताइए एक्वेटिक मैमल कौन से है बेटा यहां पर वेल डॉल्फिन सील वेल डॉल्फिन सील तीनों एक्वेटिक मैमल हो जाएंगे नेक्स्ट 66. वेरिएशन इन जीन फ्रीक्वेंसी विद इन पॉपुलेशन कैन अकर बाई चांस बाई चांस जीन फ्रीक्वेंसी में बाई चांस चेंज हो रहा है और नीट 2013 का सवाल है बाई चांस अगर चेंज होता है तो इसे कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट यस वेरी गुड इसे जेनेटिक ड्रिफ्ट कहा जाता है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल फॉर ए हाइपोथेटिकल वर्टिब्रेट इवोल्यूशन इंक्रीजिंग जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताइए तो अभी जो करेंट टाइम चल रहा है बेटा कौन सा है सीनोजोइक है ना सीनोजोइक ये सबसे कम अभी इस समय हुआ इसको सीनोजोइक के पहले कौन सा था मीसोजोइक था उसके पहले पैलियोजोइक था फिर प्री कैम्ब्रियन सबसे पहले था तो इंक्रीजिंग का मतलब सबसे कम समय से शुरू करोगे सीनोजोइक सबसे कम है यहां से आप इधर की तरफ मूव करोगे एमयू का सवाल है ये यह यहां पर करेक्ट ऑप्शन होगा सिक्सटी इन मिलर ये कल भी मैंने आपको शायद कराया था इन मिलर एक्सपेरिमेंट टू मिमिक अर्ली अर्थ कंडीशन व्हाट वाज़ द टेम्परेचर इन द फ्लास्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है 800 हंड्रेड डिग्री सेल्सियस एंसियर में दिया गया है एनालॉगस स्ट्रक्चर आर ए रिजल्ट ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर बेटा किसका रिजल्ट है एनालॉगस एनालॉगस क्या शो करते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और होमोलॉगस शो करते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ए लिविंग कनेक्टिंग लिंक दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ये सवाल बहुत अच्छा है ध्यान से करना वरना गलती आप करोगे इसमें स्टार अच्छे से करना इस सवाल को बहुत ही अच्छा सवाल है बेटा बहुत ही अच्छा सवाल है ये. बहुत अच्छा सवाल है सेवेंटी सेवेंटी का करेक्ट आंसर यहां पर डी होगा डी करेक्ट ऑप्शन होगा क्यों कुछ बच्चे कहेंगे सर आर्कियोप्टेरिक्स कनेक्टिंग लिंक होता है रेप्टाइल और बर्ड के बीच अभी आपने बोला था बिल्कुल सही है लेकिन सवाल ये पूछा गया है बेटा कि लिविंग कनेक्टिंग लिंक आर्कियोप्टेरिक्स तो एक्सटिंक्ट हो चुका है ना बेटा लिविंग तो नहीं है ना डकबिल डकबिलेटिपस इज द लिविंग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल एंड मैमल्स सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन बी नहीं होगा इसलिए मैंने टेन स्टार दिया था बेटा इतना हल्का सवाल होता तो मैं टेन स्टार क्यों लिखता आप खुद सोचो टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी बाय नीट 2013 देखो कितने बढ़िया सवाल थे कैसे चेंज हो, हो सकता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम कैसे चेंज हो सकता है जेनेटिक इक्विलिब्रियम कब मेंटेन रहेगा जब रैंडम मेटिंग होगी माइग्रेशन नहीं होगा म्यूटेशन नहीं होगा लेकिन अगर रैंडम मेटिंग ना हो तो उस कंडीशन में जेनेटिक इक्म चेंज हो जाएगा जेनेटिक को हार्डी हार्डीनबर्ग इक्लिबीरियम भी कहते हैं एक्सटिंक्ट ह्यूमन ईयर एगो इन यूरोप एशियन पार्ट ऑफ अफ्रीका सॉल्ट स्ट्रेचर हैवी आईब्रोज रीच रीटिंग फोरहेड लार्ज जॉ विद हैवी टीथ स्टॉकी बॉडी लंबरिंग एट एंड पोस्टर वॉच तो ये यहां से पता लगा सकते हो एनसीआर अगर आप पढ़ोगे तो एक लाख से चालीस हजार साल पहले कौन रहा करता था नियंडरथल मैन बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है समय से आप पता लगा सकते हो कि नियंडरथल की बात हो रही बायोजेनेटिक लॉ वाज किवन बाई बेढ़िया सवाल है कल भी हमने किया था बायोजेनेटिक लॉ किसके द्वारा दिया गया था बायोजेनेटिक लॉ सीपीएमटी 2015 में पूछा गया था बायोजेनेटिक लॉ अर्नेस्ट हेकल ने दिया था इसका एक नाम और है जो आप मुझे लिख के बताओगे बायोजेनेटिक लॉ का एक नाम और होता है बच्चों जल्दी से लिख के बताओ मुझे यस yes. नियंडरथल का ब्रेन साइज रविंद्र बिल्कुल 1400 सीसी होता है बायोजेनेटिक लॉ इज आल्सो नेमड एज़

या अमन ने कहा है थ्योरी ऑफ रिकुलेशन बिल्कुल सही है यहां पर चार स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं और इनमें फिल करने हैं आपको ब्लैंक्स है ना तो विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड लुक अलाइक एंड आर द रिजल्ट ऑफ किसका रिजल्ट है एनालॉगस है तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा ना कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का रिजल्ट हो जाएगा मिलर सोड

इवोलूशन uh, होता है उसका कारण क्या होता है उसका कारण होता है बेटा वेरिएशन है ना वेरिएशन नेचुरल सिलेक्शन आप कह सकते हो एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस अब देखो जरा क्या ऑप्शन दिया गया पहला ऑप्शन है करें डी में वन स्मॉल वेरिएशन तो डी ये दिया गया इसमें कह रहे कि वन स्मॉल वेरिएशन बिल्कुल डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन का कारण स्मॉल वेरिएशन था और टू सर्वाइवल ऑफ फिटेस सही है और ए में कह रहे हैं कि ए ऑप्शन में वन जो है वो कन्वर्जेंट है बिल्कुल तो ए ऑप्शन ही सही हो गया हाँ बिल्कुल ए ऑप्शन सही हो जाएगा बाकी करके देखो आप ए में वन जो है वो को बताएगा तो ए में में वन हो गया बी ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन तो थी नहीं बेटा यहाँ पर है ना बी में वन तो वाटर था तो ये तो गलत हो गया ना बी में वन वाटर वेपर हो जाएगा टू अमीनो एसिड हो जाएगा सी में रूडिमेंट्री लिखा हुआ है तो रूडिमेंट्री नहीं वेस्टिजियल होता है ना वेस्टिजियल फिर हैं सी में वन वेस्टिजियल ठीक है टू एनाटोिकल डी वन म्यूटेशन नहीं बेटा डार्विन ने म्यूटेशन के बारे में नहीं बताया था small variation, बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल सवाल है है बेटा ना डार्विन के अनुसार ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का कारण क्या है सेवेंटी सिक्स ये भी नीट दो हजार तेरह का सवाल था दिस इज ड्यू टू द इंट्रा इंट्रास्पेसिफिक कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इज द रीजन फॉर द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्लियर सेवनटी सेवन सेवनटी सेवन पे आ जाइए इसमें बेटा एक मिनट ये यहां पर इंटर स्पेसिफिक होगा सेवेंटी सिक्स का बी ऑप्शन सही सी सही होगा बी मैंने बता दिया है दैट इज इंटर स्पेसिफिक ठीक है सेवनटी हाँ, सिक्स का बी ही होगा बेटा ठीक है बी होगा मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन प्रपोज बाई इज बेस्ड ऑन योगो ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था किया ना? इसका नेम बताओ। किया ना? इसका कॉमन कॉमन बताओ होगा। इंट्रा नहीं होगा। डार्विन सोज। डार्विन क्या शो करते हैं डार्विन फिंचज बेहतरीन एग्जाम्पल है एडॉप्टिव रेडिएशन का ये एडॉप्टिव रेडिएशन शो करते हैं सेवेंटी नाइन मोस्ट एपरेंट चेंज ड्यूरिंग दूसरी हिस्ट्री ऑफ हेमोसैपियन मोस्ट एपरेंट चेंज एपरेंट जो सबसे आसानी से नजर आए द रिमार्केबल इंक्रीज इन द्रेन साइज लगातार ब्रेन का साइज बढ़ता चला गया यस yes, एक था बिल्कुल इवनिंग प्रिमरोज सौम्या इवनिंग प्रिमरोज ऑनोथेरा लाइम क्या ना को कहते हैं नेहा रविंद्र प्रखर बाबू पूजा चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अर्चिता स्ट्रगल फॉर एक्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इज एसोसिएटेड स्ट्रगल फॉर एक्टेंस एंड सरवाइवल किसका डारविज्म का विच आर द फॉलोइंग करेक्ट सिक्वेंस ऑफ इवेंट इन दरिजिन ऑफ लाइफ बताओ ओरिजिन ऑफ लाइफ में करेक्ट सिक्वेंस क्या है नीट में पूछा गया था आप देखो नीट में कितने ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो आपके एनसीआरटी में नहीं है तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मोनोमर पहले मोनोमर ही बनेगा फिर सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर तो इसका मतलब टू और थ्री ये तो सीक्वेंस बन गया आपका अब फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोबायोंट एंड फॉर्मेशन ऑफ डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेहतरीन द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री

कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का नाम देते कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था वेस्टिजेज ऑफ गर्डिल आर फाउंड इन पेल्विक गर्डिल वेस्टिजियल फॉर्म में होता है पाइथन अजगर में जो पेल्विक गर्डिल होता है ये देखो फिर सवाल आ गया बायोजेनेटिक लॉ और रिकेपिटुलेशन थियोरी ऑनटोजनी रिपीट फाइलोजनी वॉज गिवन बाई अस्टल विच आर दिंग आर एनॉगस स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर यहाँ पर एनॉलॉगस है एनालॉगस कौन से गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन रेस्पिरेशन का काम करते हैं ठीक हाँ, है फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन लेग ऑफ हॉर्स ये भी होमोलॉगस है विंग्स ऑफ बैट एंड भी होमोलॉगस तो ये तीनों तो होमोलॉगस हो गए करेक्ट ऑप्शन मिला ए आपको 85 में क्लियर बेटा 85 का ए हो जाएगा 86

विच वॉज द बिगेस्ट लैंड डायनासोर यह तो सीधे सी में लिखा सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था टायरेनोस था हाइट आप बताओगे टायरेनोसोर्स की हाइट कितनी थी बच्चों विच वन डज नॉट फेवर लेमार्क कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाय करेक्टर अरे लेमार्क का जो कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वाड करेक्टर उसको कौन फेवर नहीं करता है लैक ऑफ पिगमेंट इन क्यो डर बिल्कुल ये लैमार्क को सपोर्ट करता है एबसेंस ऑफ लिम्ब स्नेक ये भी सपोर्ट करता है 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 ये ये भी सपोर्ट करता डार्विन है। in का हैलैक्शन जो सपोर्ट लेमार्क के थ्योरी से नहीं कर सकता है तो डी हो जाएगा यस ट्वेंटी फीट हाइट थी रुक्षाना बिल्कुल सही है अब्दुल्ला प्रीति ट्वेंटी फीट हाइट बहुत बढ़िया संदीप रिजवान वेरी वेरी गुड गुड बच्चों फोर लिम्स ऑफ कैट और एग्जाम्पल है, है होमोलॉगस ऑर्गन के किसके एग्जाम्पल है होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जाम्पल है एक ही ओरिजिन के हैं लेकिन फंक्शन अलग अलग है ओरिजिन सेम है लेकिन फंक्शन अलग है आज का आखिरी सवाल है इन हार्डी बेनबर इक्वेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाई बताइए हार्डी इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी होती है टू पी क्यू सीधा नीट दो हजार सोलह का सवाल था सीधा सवाल आपसे पूछा गया था तो हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें लाइक like और शेयर जरूर करें और अगर आप प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं एच जी लाइव कोड का यूज करेंगे टेन परसेंट डिस्काउंट आपको इस कोड पे मिल जाएगा ओके बच्चों तो कल का हमारा चैप्टर क्या है द लिविंग वर्ड यस द लिविंग वर्ड अभी तक हमने कौन कौन सी यूनिट कंप्लीट कर ली यूनिट नंबर वन हमने पढ़ा ह्यूमन फिजियोलॉजी टू हमने क्या कर लिया सेल थ्री हमने क्या कर लिया जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन तो अभी तक हमारे थर्टीन चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं अब अगले चार चैप्टर आपके होंगे डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के जहां पर पहला चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। ओके तो कल ध्यान रखिएगा लिविंग वर्ल्ड और दूसरी तरफ आपका नीट उड़ान का जो बैच है उसमें साढ़े आठ बजे डाइजेशन चल रहा है जहां पर हमने बक्कल कैविटी और स्टमक में डाइजेशन को पढ़ लिया है कल हम डाइजेशन पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर तीन तरह के जूसेस के बारे में हम बात करेंगे रिवीजन भी आपका हो जाएगा क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे नीट उड़ान साढ़े आठ बजे और नीट पंचायत दस बजे नीट उड़ान में क्वेश्चन थ्योरी दोनों कर रहे हैं और नीट पंचायत में हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें ओके बच्चों तो जल्दी से लाइक करो और गुड नाइट बच्चों बाय बाय टेक केयर लव यू पढ़ाई करते रहो सारे बच्चों सिलेक्शन इसी बार लेना है आपको